सो गाइस क्या सर है आप लोग मस्त हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप शायरी वीडियोस के लिए शायरी ढूंढ सकते हो। मतलब कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस और सिर्फ इस वीडियो को देखना है। भाई मेरे को बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने शायरी वीडियो तो बनाना बहुत सारा सिखा दिया, मतलब बहुत सारी वीडियोज के ऊपर बना दिए, बस एक काम और कर दो कि शायरी वीडियोज हम कहाँ कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शायरी वीडियोज कहाँ कहाँ से फाइंड कर सकते हो। आप जानते भी होगे फिर भी आपने कभी यूज नहीं किया होगा, तो चलिए मैं ही आपको बता दूँ। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पे आपको साइड में एक मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा इस साइड यहाँ पे, और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये आपको करना क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना डाटा कनेक्शन ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है शायरी इन हिंदी, ठीक है। शायरी इन हिंदी आपको सर्च करना है। जैसे ही आप शायरी इन हिंदी सर्च करोगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ जो सुपर हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से शायरी है वो ढूंढ सकते हो अपने शायरी वीडियोस के लिए। तो सिंपल से आपको करना क्या है, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट हैं यहाँ पे, बट आपको एक एक करके जो है वो यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्रोम को ओपन कर दिया है। आपको सारा कुछ यहाँ पे साइड में दिख रहा है, बस आपको थोड़ा सा देखना है इस वीडियो को। वीडियो में बने रहें, सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। अगर आप सारी वीडियो के बनाने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको चाहे जोन सी भी चाहे जो भी वेबसाइट हो, वो वेबसाइट पे ऐसे ही आपको कैटेगरी वाइज दिखेगा। सबसे ऊपर भी दिख सकता है, नीचे भी दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्क्रॉल करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज में आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको लव शायरी मिल जाती है, सैड शायरी मिल जाती है, रोमांटिक शायरी मिल जाती है, फ्रेंडशिप शायरी मिल जाती है, शायरी इमेजेस मिल जाती है, एटीट्यूड शायरी मिल जाती है, फनी शायरी मिल जाती है, बर्थडे शायरी मिल जाती है, लाइफ शायरी मिल जाती है, मॉर्निंग शायरी मिल जाती है, नाइट शायरी मिल जाती है, दोस्ती शायरी मिल जाती है, एटीट्यूड वगैरह वगैरह जितनी भी है यहाँ पे आपको मिल जाती है। बस आपको जिस पे भी शायरी वीडियो बनानी है, सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको उस कैटेगरी को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी नीचे भी बहुत सारे शायरीज मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको अनलिमिटेड जो है वो शायरी फोटोज में भी मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे लिखे हुए भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, कि सांसों की डोर छूटती जा रही है, किस्मत भी हमें दर्द देती जा रही है, मौत की तरफ है कदम हमारे, मोहब्बत भी हमसे छूटती जा रही है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा साउंड इफेक्ट लगा के करूँ ना, यही शायरी अगर मैं साउंड इफेक्ट लगा के थोड़ा सा करूँ ना, तो देखो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, सांसों की डोर छूटती जा रही है, किस्मत भी अब हमें दर्द देती जा रही है, मौत की तरफ है कदम हमारे, मोहब्बत भी अब हमसे छूटती जा रही है। तो देखा ये होता है भाई साहब साउंड का हमारा, तो अभी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज का मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सैड शायरी, जैसे मैंने सैड शायरी पे क्लिक किया, यहाँ थोड़ा सा ऐड आया, ठीक है। इधर हम इसको कट करते हैं और यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, ये देखो हमारा नीचे सैड शायरी। आपको इमेजेस में भी देखने को मिल जाएंगे, आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एक सैड शायरी हो जाए। कहाँ मिलता है अब कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बोल के कुछ भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे शायरी को ढूंढ सकते हो। जब आखिरी मुलाकात हो तो हंस कर देख लेना मुझे, क्या पता अगली बार तुम हमें कफन में देखो और मुस्कुरा भी ना पाओ। वाह वाह वाह। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे शायरी ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे कैटेगरी। मैंने क्या बोला था आपको कि कैटेगरी आपको इतनी मिल जाएगी कि आप यार डेली वीडियो बनाओगे ना फिर भी आप थक जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरी वाइज मिल जाते हैं, देख सकते हो आप। अब पहला मेथड तो ये रहा, आप सेकेंड मेथड जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले बैक जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम शायरी इन हिंदी आ गए, यही आपको डालना है शायरी इन हिंदी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना, ठीक है। अब यहाँ पे पहला मेथड ये था। सेकंड मेथड, आपको अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा, किसी वेबसाइट पे आप नहीं जाना चाहते, तो सिंपल से आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑल के बगल में एक इमेजेस का ऑप्शन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इस तरीके से सारे के सारे इमेजेस शो हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, ये आ गया देखो। तो यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे शायरी मिल जाएगी। ये दूसरा मेथड है जिससे आप शायरी फाइंड कर सकते हो,
देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी शायरी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, डायरेक्ट ही जो है वो इमेजेस के थ्रू देखना है, तो आपको यहाँ पे साइड में बगल में जिस भी कैटेगरी में हो, जिस भी सिचुएशन का आप बनाना चाहते हो उस सिचुएशन को यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मुझे सैड बनाना है तो शायरी इन हिंदी सैड, ठीक है, यहाँ पे शायरी इन हिंदी जैसे सैड डालोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जो है वो सैड शायरियाँ देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको पढ़ना है। और आपको जैसे मैंने बताया है कि शायरी वीडियो कैसे बनाएं, उस वीडियो को देख लो, आपको शायरी वीडियो बनाना आ जाएगा। और जो भाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुके हुए थे कि भाई उनको शायरी नहीं मिल रही थी, वो फाइंड नहीं कर पाते कि भैया शायरी मैं ढूंढूँ कहाँ से, तो भाई साहब मैंने ये वीडियो भी बना दी कि आप शायरी कहाँ से ढूंढोगे। तो सारी चीज़ स्क्रीन में आपको दिख रही है, यहाँ से आप बहुत सारे शायरी वीडियोज को फाइंड कर सकते हो। तो बस यार आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक वो था बदल गया, एक मैं था बिखर गया, एक वक्त था जो गुजर गया। वाह वाह वाह, तो जाओ जल्दी से सारी वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। और हाँ, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको सारी वीडियो से रिलेटेड, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर देना, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई सारी वीडियोस के लिए सारी कहाँ से फाइंड करें, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाओ देखो मौज करो और ढूंढो और ऐश करो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय एंड लव यू।